नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम, 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ वीटू मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। जल संकट को लेकर जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, दिए कई निर्देश। राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, डीएम की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली से संबंधित बैठक आयोजित। बाढ़ के दौरान निबंधन कराए बगैर नावों का नहीं हो सकेगा परिचालन, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। चालकों को निःशुल्क दिया जाएगा भारी वाहनों के परिचालन का प्रशिक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी योजना। और जल संकट को ले जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने पीएचईडी कार्यालय दरभंगा में की तालाबंदी, दिया धरना। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम, सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू, ग्रे मैटर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ वीटू मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो, यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था, तो फिर देर किस बात की। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए।
दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आए और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। जल संकट को लेकर जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, दिए कई निर्देश। भीषण जल संकट को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई बुधवार को जिलाधिकारी के चैम्बर में। वहीं बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो सहित संबंधित विभागों के विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। पानी की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए, इस पर गहन चिंतन किया गया। इस संबंध में बैठक में बोलते हुए जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। मत्स्य विभाग को जो है निर्देश दिया गया, जितने तालाब की जो है सूची जो है सभी अंचल 91,000 है, पुराने जो खत्म हो गया फैट एक्ट का मिलेगा वो नहीं मिल सकता। अभी तक जीएसटी का नेटवर्क भी जीएसटी के द्वारा इसी होगा। निराकरण इसका क्या है? इसका निराकरण सिर्फ जीएसटी को नहीं सेंट्रल के द्वारा होना है। यही कारण है कि सर हम लोग का कम दिख रहा है, क्योंकि इसमें जीएसटी जो कलेक्शन जीएसटी का है वो समाहित नहीं है। ये सिर्फ भैट के बकाए की वसूली है, जो कि बहुत थोड़ा सा बकाया रह गया है, उसी में वसूल हुआ है। रजिस्ट्रेशन का छोड़ दिया उसने, क्या कोई पेमेंट हमने नहीं किया सर, मेरे पोस्टिंग के बाद कोई पेमेंट हमने नहीं किया। प्रोसीजर में भी आ रहा है मेरा, इधर का पानी नहीं जा रहा, तो हम लोग को कह रिटर्न या किर्लोस्कर को कम से कम दे दीजिए। जो आके वो आप मुँह से बोलते हैं वो मुँह से सुन लेता है, और कम से कम ऐसा 10-12 जगह जो है शहर में। राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, डीएम की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली से संबंधित बैठक आयोजित। आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली से संबंधित बैठक आयोजित की गई जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को। वहीं बैठक में एडीएम सहित अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आईटीआई प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट डीएमसी लहरिया सराय दरभंगा एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त, नामांकन सूचना सत्र 2019-2021 क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष, क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एस एम जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद आईटीआई लहरिया सराय दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. Shailendra Jha, principal.
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल संकट को लेकर जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, दिए कई निर्देश। राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, डीएम की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली से संबंधित बैठक आयोजित। बाढ़ के दौरान निबंधन कराए बगैर नावों का नहीं हो सकेगा परिचालन, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। चालकों को निःशुल्क दिया जाएगा भारी वाहनों के परिचालन का प्रशिक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी योजना। और जल संकट को ले जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने पीएचईडी कार्यालय दरभंगा में की तालाबंदी, दिया धरना। बाढ़ के दौरान निबंधन कराए बगैर नामों का नहीं हो सकेगा परिचालन, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। निबंधन कराए बगैर नाव का परिचालन नहीं होगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़कों पर चलने वाले वाहनों की तरह ही पानी में चलने वाले नावों का भी निबंधन कराना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आसन्न बाढ़ की आशंका के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य चलाने हेतु निजी नाव मालिकों से इकरारनामा किया गया है। नाव मालिक को अपने अपने नावों का जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में निबंधन कराने को कहा गया है। इस हेतु नाविक का फोटो और पहचान पत्र एवं निबंधन शुल्क जमा करना होगा। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके अंचल में उपलब्ध सभी निजी एवं सरकारी नावों का तुरंत निबंधन करा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा सहयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। वे बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित परिवारों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस सूची से कुछ बैंक खाता संख्या और IFSC कोड के गलत होने के चलते PFMS मॉड्यूल में डाटा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने इस सूची का त्रुटि निराकरण कर त्रुटि रहित सूची आपदा प्रबंधन शाखा में जमा करने को कहा है। चालकों को निःशुल्क दिया जाएगा भारी वाहनों के परिचालन का प्रशिक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी योजना। चालकों को निःशुल्क भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहन चालकों को निःशुल्क भारी वाहन चालन का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह प्रशिक्षण चालक प्रशिक्षण सह यातायात शोध संस्थान औरंगाबाद में दिया जाएगा। इच्छुक चालकों को प्रशिक्षण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदकों का चयन आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक आवेदक को निःशुल्क प्रशिक्षण की पात्रता हेतु बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास भारी वाहन व्यावसायिक लर्नर लाइसेंस होना चाहिए एवं LMV का एक वर्ष पुराना लाइसेंस होना अनिवार्य है। विदित हो कि राज्य में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने तथा वाहन चालकों की दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से बिहार के औरंगाबाद जिले में चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान IDTR की स्थापना की गई है। इसी संस्थान में चालकों को भारी वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण सत्र में कुल 2000 अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके आवासन एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क है। सभी प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 30 दिनों की होगी। जल संकट को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने PHED कार्यालय दरभंगा में की तालाबंदी, दिया धरना। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान ने मजबूर होकर इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट की समस्या को लेकर खान चौक वार्ड नंबर 29 में स्थित दरभंगा PHED कार्यालय में सुबह से एक तालाबंदी कर कार्य को ठप करने के साथ ही अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बार बार पत्र देने के बाद भी कार्य नहीं करने एवं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर नारा लगाया। फिर 3 घंटे बीत जाने के बाद PHED कार्यालय के कनीय अभियंता वहां आकर वार्ता करना उन्होंने चाहा, लेकिन जनता ने उनसे वार्ता करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं आते तब तक वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। सुनिए ना, इसमें जो बड़ा बड़ा आदमी सुन के जाएगा। नहीं नहीं सुनिए, छोटा चाची चाची हम बोल रहे हैं।
ऐसा भैया कि हम लोग को ऑफिस में जाने में कहीं भी गुरेज नहीं है, ठीक है, हम लोग परिवार है, हमें जाते सब आदमी अगर बोलना चाहिएगा तो एक एक करके जो लोग यहाँ पर आए, जो लोग यहाँ पर आए हैं नहीं वो सब लोग, वो सब लोग जाएंगे या नहीं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, लोग से वार्ता कर ले तुरंत ऑफिस चलिए ना, पांच आदमी रहिए हैं चलिए, जितने लोग जितने लोग सब सब लोग रिटर्न ऑर्डर देते कि इनका पाइप का कनेक्शन जहाँ से आपका यू शेप होकर आया हुआ है, एल्बो लगे आया है, वहाँ से कनेक्शन निकाल के आप डेढ़ इंची पाइप में हो या एक इंची पाइप, डेढ़ इंची पाइप में पानी फोर्स रहेगा क्योंकि टंकी बहुत नजदीक है, यहाँ से डेढ़ इंची पाइप कच्चा मिट्टी है, कच्चा मिट्टी बदल भी अर्जेंट वर्क है, सब आदमी सुहाफा पे जीते पानी मिल जाएगा, छोटी दूरा लगा और आपको पेयजल की जो समस्या दरभंगा के अंदर ही नहीं पूरे बिहार के अंदर बल्कि हम समझ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो समस्या हो रही है उससे दरभंगा भी ग्रस्त है, जबकि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए यहाँ पेयजल की इतनी भयावह स्थिति है कि लोग परेशान होकर पीएचडी में बार बार आते रहे, लगभग 6 महीने से चूँकि पीएचडी इसी मोहल्ले में है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, पेयजल पानी नहीं मिल रहा था, नहाने के लिए पानी नहीं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं, महिलाओं को कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता था, शहर के अंदर में आप सोच सकते हैं कि उनको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके उनको पानी लाना पड़ता था, तो आज ये लोग तंग आके पीएचडी कर रहे हैं, ताड़ाबंदी किया स्क्यूटी और यहाँ का पूरा काम पूरी तरह से मतलब बंद कर दिया गया था, स्क्यूटी महोदय आए, एसी आए, उसके बाद उनके साथ बैठक हुई, बैठक में व्यापक बात निकल के आई कि 2 दिनों के अंदर हर घर नल से पानी वहाँ मुहैया कराया जाएगा, और बड़ी खुशी की बात है कि उन लोगों ने ये बात मान लिया और आज अब हम लोग ताला खोल दिए हैं ताकि वो लोग ऑफिस में काम प्रॉपर तौर पर करें और 2 दिन के अंदर में जो है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पानी पहुँचाने का काम करें। आश्वासन तो ये है कि पहला चीज कि हमको ये सीख लेनी चाहिए कि जो व्यवस्था हो रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करें, जिस किसी ने डिस्टर्ब किया है काफी गंभीर क्षति हुई कि पाइपलाइन टूट गया है, यदि ये टूटा नहीं रहता तो आज ये समस्या नहीं आती, अब जहाँ पाइप नहीं है वहाँ पाइप बिछाना अभी तो टेढ़ी की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो यदि जो भी संभव है वो उसके लिए करेंगे, लोगों को पानी मिले, यदि हमारे संसाधन अलाउ करते तो हम उसका भरपूर उपयोग करके आपको पानी मिला है, लेकिन जो हमारे बस का नहीं है वो हम नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा ने चमकी बुखार को आपदा घोषित करने की मांग की, निकाला प्रतिरोध मार्च। चमकी बुखार को आपदा घोषित करे सरकार, आयशा ने मांग की, प्रखंड स्तर पर आईसीयू व आपातकालीन सेवाएं बहाल करने की भी मांग। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार के प्रकोप से 150 से अधिक बच्चों की मौत के विरोध में भाकपा माले, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा इनौस, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के राज्यव्यापी प्रतिरोध के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी स्थित नागार्जुन की प्रतिमा स्थल से श्यामा मंदिर विश्वविद्यालय थाना होते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से 150 से ज्यादा बच्चे की मौत अस्पताल में हो गई है और सैकड़ों बच्चे की मौत कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव में हो गई है, प्राइवेट अस्पताल में हो गई है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है और सरकार लगातार संवेदनहीन बनी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चमकी बुखार के मामले में सरकार को घेरा, निकाला आक्रोश मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, मिस्टर टोला स्थित कार्यालय से भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज होते हुए दोनार चौक तक यह मार्च गया। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नगर समिति सदस्य मोनू कुमार एवं श्रीकांत कुमार कर रहे थे। जुलूस के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आक्रोशित कार्यकर्ता सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने और बच्चों की जान के साथ समझौता करने वालों को सजा देने की भी मांग की जा रही थी। एक तो भीषण गर्मी और उसमें अगर सड़क जाम में फंस जाए आप तो कल्पना करिए मुसीबतों का, ऐसे ही एक सड़क जाम में फंसे रहे लोग।
बढ़ता ही जा रहा है गर्मी का सितम, लोगों का बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। बिल्कुल ज़रूरत में आने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और एक तो तपती धूप, ऊपर से भीषण गर्मी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, और अगर सामना सड़क जाम से हो जाए तो फिर लोगों की मुश्किलों का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे ही सड़क जाम में, धूप में बिलबिलाते रहे लोग। हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नल जल योजना की समीक्षा की, भौतिक निरीक्षण भी किया। हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जल संकट को देखते हुए हर घर नल जल योजना के अंतर्गत सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने हर संभव लोगों तक पानी पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। असल में वो जीत जीत के वो इतना ना वो तंग कर दिया, अभी लास्ट में अपने से कर रहा है बात। नहीं, आप उसको ढकिए, नहीं वो जरूरी है, वो हम पहले भी बोले थे कोई भी देखेगा ना, पब्लिक के कहने से नहीं, कोई भी देखेगा तो कहेगा कुछ काम जब हम प्रशासनिक दिए हुए हैं तो कहीं भी ले जाइए, जो भी जिम्मेवारी होगी मेरी होगी। आदमी से क्या मतलब है, बांध को काटना है, आप कम से कम वहाँ पर एक ही फंसाइए, अंदर जाइए, ऊपर से ईंटा बिछा के। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की आयोजित बैठक स्थगित कर दी गई बुधवार को। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित होने वाली थी, हालांकि पूर्व पार्षद ओंकार नाथ शाह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित होने के बाद कुर्सी की कमी को लेकर पार्षदों ने अपना गुस्सा निकाला। बोर्ड की बैठक स्थगित होने के बाद पार्षदगण जब पार्षद कक्ष में पहुंचे तो वहां कुर्सी की अनुपलब्धता के बाद पार्षदों में खासा रोष दिखा। उन्होंने बची हुई कुर्सियों को यहां वहां फेंकना शुरू कर दिया। हौसला मान लिए पार्षद कक्ष में कुर्सी रखा जाता है तो क्या मीटिंग स्थगित हो या मीटिंग हो जाती है तो सारे पार्षद एकजुट होकर के हम लोग बैठते हैं, आपस में अपना बैठ के बातचीत करते हैं। तो पार्षद पद की कुर्सी क्यों उठ के चली जाती, क्यों नगर निगम में पैसा नहीं है कुर्सी के लिए? यदि महापौर की कुर्सी उठा ले हम लोग, चाहे और उठा ले, तो क्या कहेंगे वो, क्यों पार्षद कक्ष की कुर्सी उठ के जाती है? हम महापौर को जिम्मेवार मानते हैं, चारा मानी को ही है महापौर। और बढ़ते अपराध को लेकर जगह जगह हो रही वाहनों की चेकिंग। बढ़ते अपराध के मद्देनजर सघन हुई वाहनों की चेकिंग, एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर हो रही है चेकिंग जगह जगह। रुकिए, रुकिए, इसको पकड़िए ना।
गाड़ी का चाबी देगा तुम्हें सर, पेपर लाबो तो उन्हें जाए। हेलो अंकल, गाड़ी में ना पकड़ा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ये नहर हत्या अंतर्गत वाहन चेकिंग में जिसको कागजात चेक करना, डिक्की चेक करना, ट्रिपल पर ये करना, उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में क्राइम रुके और हर आदमी का मकसद है कि अपना अपना कागज पत्र टंच करें, हेलमेट रखें, इस उद्देश्य से अभियान डेली का डेली। जल संकट को लेकर जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, दिए कई निर्देश। राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, डीएम की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली से संबंधित बैठक आयोजित। बाढ़ के दौरान निबंधन कराए बगैर नावों का नहीं हो सकेगा परिचालन, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। चालकों को निःशुल्क दिया जाएगा भारी वाहनों के परिचालन का प्रशिक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी योजना। और जल संकट को ले जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने पीएचईडी कार्यालय दरभंगा में की तालाबंदी, दिया धरना। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।